हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये छोटे से बास्केट में मैंने लगाया हुआ हैंगिंग प्लांट जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। और ये मैंने लगभग दिसंबर में लगाया था, प्रोपोगेट किया था। इसकी कटिंग 3 से 4 कटिंग मैंने लगाई थी, तो इतना ग्रो कर गया है। तो हैंगिंग में लगाने के लिए बहुत ही सुंदर पौधा है फ्रेंड्स। और ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। ये देखिए, इसके पत्तों में पूरा पानी भरा है और बहुत ही सुंदर आए हैं इसके पत्ते। बनाना जैसे दिखते हैं, इसके एक एक पत्ता जैसे बनाना हो, इसलिए इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। और फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है और ये शेड में भी अच्छी तरह से ग्रो करता है और सेमी शेड में भी। और मैं एक बताऊँ कि ये मेरा जो पॉट रखा हुआ है मैंने, तो ये फुल सनलाइट में है। अभी अप्रैल की इतनी धूप है, फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है धूप में भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये धूप में ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर मैं इसे शेड में रखती तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती इसकी। और देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसके जो नए नए ब्रांचेस हैं, नए जो लीव्स आए हैं, तो वो ऐसे पिंकिश और येलोइश है। नीचे भी जो नोड निकले हैं वो भी पिंकिश और येलोइश, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखो तो 3 कलर दिख रहे हैं इसमें। और फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी का मैं बता दूँ कि इसकी मिट्टी मैंने सिर्फ 50% गार्डनिंग सॉइल, जो भी गार्डनिंग सॉइल होती है हमारी, तो वो उसमें मैंने 50% सैंड मिलाई है। कोकोपीट वगैरह कोई भी अदर मैंने मीडियम इसमें डाला नहीं है, बस 0.5% सैंड और सॉइल है उसे ही मिक्स करके मैंने डाला है। और उसमें भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। मैंने नर्सरी में देखा है फ्रेंड्स कि उन्होंने तो नर्सरी वालों ने जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें ही लगाया था ये प्लांट, तो वहाँ पे भी वो बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो कर रहा था। जितने भी पॉट थे उनके, तो सभी ऐसी चिकनी मिट्टी जो होती है नर्सरी वालों के पास, तो उसमें ही लगाया था, मतलब उसमें भी वो चल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी जो प्रोपोगेशन है, आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए मई में, क्योंकि मई में जो होता है कि 45 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर जाता है, वो तभी वो रूट फॉर्म नहीं करता और ये जो कटिंग होती है हमारी वो पूरी जल जाती है। क्योंकि मैंने मई में लास्ट ईयर कुछ सकुलेंट मंगवाए थे, तो सब भी मेरे सकुलेंट जो भी थे, जो भी कटिंग थी, तो पूरी जल गई थी, एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और ये देखो, ये भी सेम कटिंग है। और मीडियम भी मैंने कुछ सकुलेंट का जो सॉइल मीडियम होता है वो भी मैंने यूज़ नहीं किया है, फिर भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है ये। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए मई में प्रोपोगेट करना। और जब भी आपको प्रोपोगेट करना हो, तो 3 से 4 कटिंग आप कहीं से भी लाए, तो वो जो भी जितनी भी कटिंग हो, तो वो 3 से 4 दिनों तक आपको धूप शेड में जो है वैसे ही रहने देनी है, और बाद में इसे सॉइल मीडियम में प्रोपोगेट करनी है। तो उसके बाद ही अच्छी तरह से रूट फॉर्म करता है और सक्सेसफुली ग्रो करता है। तो अभी आपको अगर लगाना हो तो जून से आप विंटर तक, मार्च तक भी इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताऊँ कि ये जो है मैंने पूरे धूप में रखा है ये प्लांट, और अभी तक डैमेज नहीं हुआ है इसका कुछ भी। अप्रैल तक, अभी अप्रैल चालू है, थोड़ा भी उसे डैमेज नहीं हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इसे मैं डेली वाटरिंग करती हूँ, तो डेली भी वाटरिंग आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने इसे शेड में रखा है, तो आप 3 से 4 दिनों में वाटरिंग कर सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे ही इसकी मिट्टी सूख जाए, तब आप इसे शेड में वाटरिंग कर सकते हैं। और आप जब भी इसे प्रोपोगेट करें, तो 3-4 दिन तक इसे शेड में ही रहने दें,
और बाद में धूप में, पूरे धूप में भी आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ टोटल पूरा धूप में भी ये अच्छी तरह से ग्रो करता है और धूप में ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। और देख रहे होंगे आप 3 से 4 महीने में इतना ग्रो करने वाला कोई भी सकुलेंट नहीं होता। और सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, एक तो इसकी कटिंग जो भी आप लाते हैं तो सुखा देनी है बस 3-4 दिनों में, उसके बाद प्रोपोगेट करनी है। दूसरी, आप अगर शेड में लगाते हो तो 3 से 4 दिनों में वाटरिंग करनी है, और अगर आप डायरेक्टली धूप में रखते हो तो डेली वाटरिंग करनी है। और तीसरी बात फ्रेंड्स, इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो जिस भी पॉट में हम इसे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लगभग 3 से 4 होल कीजिए ताकि पूरा पानी निकल जाए, और तभी आप इसे सक्सेसफुली ऐसा ग्रो कर सकते हैं और आपके गार्डन में इसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और नोटिफिकेशन में जो बेल बटन होती है उसे भी प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।